अपनी असाधारण प्रतिभा से दुनिया में पहचान बनाने वाले कई देशों से चुने गए 100 बच्चों को आज ग्लोबल चाइल्ड प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और पुदुचेरी की राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड का मकसद प्रतिभाशाली बच्चों को वैश्विक स्तर पर पहचान और अवसर दिलाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपना क्षेत्र चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। माता पिता को, परिवार को चाहिए कि बच्चों को ये ग्लैमर और नाम और पैसे की दुनिया में न धकेलें, उनको अपने आप आगे बढ़ने दें। हर बच्चा पंख लेके पैदा होता है, आप धक्के मार मार के मत उड़ाइए, वो जब उसके पंख खुलेंगे तो वो उड़ेगा। और पूरे समाज की, पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है कि खुला आकाश दे ताकि वो आरे अपने पूरे पंख फैला कर उड़ सकें। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड 2020 में भारत से भी कई प्रतिभाशाली बच्चों ने अपनी जगह बनाई है। इसमें गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित, उद्यमी तिलक मेहता जैसे बच्चे शामिल हैं। I have a keen interest in a lot of things. So, understanding them and then acting in them practically and theoretically and even critical thinking upon fields like astronomy, astroparticle physics, quantum physics, antimatter and a lot of various subjects in my field of interests. In my future, I want to become a successful man, a great businessman and contribute to the society, contribute to the world and make a change. I believe everyone I see, there is something to learn from each and every one of us among us. So everyone is a role model for me and I hope I can be a role model for the others. इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले बच्चों का आकलन विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया गया है। इस सूची में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और स्पेन जैसे देशों के सामाजिक कार्य, लेखन, उद्यमिता, अभिनय, मार्शल आर्ट, पेंटिंग, मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में बच्चों का चयन किया गया है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।